नमस्कार, वेब दुनिया के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है उपाय आपके लिए। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सफलता को लेकर कुछ ऐसे अचूक उपाय जिन्हें आजमाकर आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस विषय को लेकर पंडित जी हमें बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आजमाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर किसी कार्य में बाधा आ रही है या सफलता बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पा रही हो तो ऐसे कौन से प्रयास या उपाय वे आजमा सकते हैं जिनसे उन्हें सफलता प्राप्त हो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपने को सफलता क्यों मिल रही। खड़े बजरंगबली के पास जाएं और अपने प्रार्थना सामने वाले पर बताएं और मन मुताबिक प्रसाद चढ़ाएं। इस प्रकार आपकी मनोकामना पूरी होगी। और फिर भी अगर आपको बाधाएं आ रही हैं तो बजरंग बाण का आप पाठ करें। नित्य पाठ करने से इसमें सफलता मिलती है, आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो स्वाभाविक ही सफलता मिलेगी निश्चित तौर पर। और इस प्रकार जब घर से निकले तो केसर का तिलक लंबा लगा कर निकले या फिर अष्टगंध का तिलक लगा कर निकले, उससे भी आपको सफलता मिलेगी। और घर से निकलते वक्त एक बात ध्यान रखने योग्य बात ये है कि पहला कदम सीधा होना चाहिए। सीधा पांव का जो पहला कदम बाहर निकलेगा तो आपको सफलता के मार्ग में प्रशस्त हो जाएंगे। मतलब जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर के दरवाजे के बाहर जो आपका पहला कदम हो, पहला सीधा पैर के आगे बढ़ाएं। सीधा पैर और पीछे मुड़ के नमस्कार करके अपने गंतव्य पर निकल जाए। सफलता प्राप्ति में अगर यदि बाधा और भी आ रही है तो आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। नित्य पाठ करने से आपके मार्ग खुल जाएंगे और सफलता आपको मिलेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखें, आप में आत्मविश्वास धैर्य होना अनिवार्य। धैर्य और आत्मविश्वास होगा निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो पंडित जी ने आज जो उपाय आपको बताया उन्हें आजमाइए और अपने हर कार्य में सफलता पाइए। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।